ये तो आसान है सर, इसमें क्या करना, कह रहे वो स्क्वायर रूट कैसे सिखा रहे वो, ये लोग से तन करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना। तो आप चाहो तो बाबू इसको डायरेक्ट कर सकते हो, कौन बाबू सिमिलर नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे बाबू 225 आ जाए, है ना। तो इसको क्या लिखोगे, 15 मल्टीप्लाई 15 आई, 440 मल्टीप्लाई 40, और नहीं बाबू तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग डिविजन मेथड से, तो ऊपर वाले को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर, ऐसे सर, कैसे बोला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बोली, और उसको भी बताओ सर, बना बैठा हुआ बस मायरा आरब को 225 डिवाइडेड बाई कितना बाबू, 441, है ना। अब 225 का बाबू ये कर दो, है ना, 225 को बाबू ये करो, आप बोलो क्या करो, निकालो लॉन्ग डिविजन मेथड से, तो कैसे निकालोगे, 225 लिखेंगे सर, है ना। नीचे क्या हुआ है? तो बुलाइए उसको, ठीक, अरे सपना कहाँ गई बाबू, अब वो कहाँ गए सपना, हाँ सपना बाबू उसको बुलाओ जी, क्या नाम है बाबू अमन को, सर मेरे को ताने को बुलाना पड़ेगा। नहीं जी 825 है तो इधर से पेयर करेंगे, इधर से क्या करेंगे बाबू, इसका मन से समझना, पेयर करेंगे, आपको जोड़ा करना, इधर से पेयर की तो एक बच गया ना बाबू, पेयर करें एक बच गया, अब यहाँ पे बाबू वैसा सेम नंबर दो बार लिखना, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, नहीं तो उससे छोटा आ जाए, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो उसके नीचे 1 लिखेंगे, आप समझो इसका, तो 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे लिखना, इस डब्बा में लिखना, तो 1 1 कितना 1, और जोड़ के 1 कितना होता है, जोड़ के इधर नीचे लिखना रहता है, यहाँ पे इधर क्या लिखोगे ऐड करके, और यहाँ क्या लिखोगे मल्टीप्लाई कर, ठीक ठीक सर, नेक्स्ट समझो, अब इसको सबट्रैक्ट करो तो 2 माइनस 1 कितना 1 होगा, 2 माइनस 1 कितना, सबट्रैक्ट करना है इधर। हाँ यहाँ पे सबट्रैक्ट करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबट्रैक्ट करना, तो 2 माइनस 1 1 होगा, कितना से डिवाइड किया 1 से, तो 1 इधर लिख देना, हाँ सर, जी ठीक, सर इसमें तो सर डबल सॉल्यूशन लगता है, तो सर इसमें डबल नंबर भी तो मिलते होंगे सर टेस्ट में। क्या डबल सॉल्यूशन बोला बाबू, बोल रहा बाबू शंकर, बोलिए क्या हाँ, डबल जैसे डबल, सर इसके अंदर सर डबल सॉल्यूशन लगता है सर, तो अगर सर और सर नॉर्मल वाले में सर बस एक ही बार करना पड़ता है, तो सर अगर उसमें सर इसमें डबल सॉल्यूशन लगता है, तो सर इसमें डबल नंबर भी तो मिलते होंगे। ना 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 भोला, वैसे ना होता, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन बड़ा रहे छोटा रहे 3 पेज में जाए, है ना, जितना मार्क्स है बाबू उतना ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना, आपका बाबू क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, वो एमसीक्यू होता है, टिक मारो तो 1 मार्क्स का होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स का होता है ना, तो जो मार्क्स स्पेसिफाई रहेगा उतना ही मिलेगा, ठीक है ना, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 1 हो गया, फिर आगे क्या करना बाबू, शैतान संकल्प, ये 25, ये दोनों नंबर जब भी ऊपर से नीचे लाइन उतारना दोनों 125, अब यहाँ पे सोचो यहाँ पे कौन से नंबर लिखोगे, है ना, जैसे 1 1 करना कि ये 125 आ जाए, सर चाहे अमन उस, कहीं ठीक, तो यहाँ पे 1 करेंगे सर, क्या करेंगे, एक बार 1 1 रखेंगे तो 21 मल्टीप्लाई 1 कितना 21 होगा, एक बार यहाँ 1 1 रखो तो 21 मल्टीप्लाई कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 21 हो मार्कर जाए, से कर रहे हो तो मिटा दे, तो हम कैसे करेंगे? बाबू अपने मन से सोचना, तो इधर रफ करना, एक आध दो पेज खर्चा करोगे ना बाबू, एक दो पेज रफ करोगे तो अपने आइडिया, आप देखो यहाँ पे 1 रखे ना बाबू, तो इधर रखना फिर, सर अमन नहीं पढ़ने की वजह से 4 घंटे से नहा रहा है, मजा अच्छा ठीक है ना, तो उसको आके ढूंढते हैं, ये 2 है तो यहीं पे लिख आएगा। यो कूटते आके, ये 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 2 रखना तो 2 2 कितना, ये 44 हो जाएगा, फिर 3 रखना, यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, एक बार लिखो तो 23 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 3 रखोगे ना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना बोले, तो इधर लिख लेना 3 23 मल्टीप्लाई 3 कितना 69, 125 आया नहीं आया, मॉर्निंग यहाँ पे क्या रखना 4 रखना, क्या रखना 4 रखना, 24 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा कितना 60, अब 4 2 जा 8, 76 होगा। 29 हो जाएगा, 4 4 16, 4 2 8 96 हो जाएगा, ठीक 4 4 हुआ सर, फिर क्या यहाँ रखेंगे 5 5 रखेंगे, क्या रखेंगे 25 और 5 रखेंगे, 125 अच्छा शांत रहो, 5 5 5 5 2 जा 10 125, आई सर मैजिक हुआ कि नहीं हुआ, 5 रखे बाबू तो 125 आ गया ना, आ गया तो दिक्कत क्या है, तो यहाँ पे बाबू है ना नहीं मन होता तो पेन, बल्ले बल्ले। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक सर,
तो 20, अब नीचे क्या लिखना है, नीचे जोड़ के लिखना होता था, 5 + 5 10 का 0 और 2 अब 1, 5 + 25 + 5 कितना 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, 120, ये 25 × 25 कितना 125, घटा दो इसको तो ये 0 0 0 कितना से डिवाइड किया 5 से, है ना। तो इस 100, ये 225 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना 15 डिवाइडेड बाई 441 को भी इसी तरह से करोगे, 441 को भी क्या करोगे, दोनों को अलग अलग ही करना पड़ेगा हाँ दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर। बाबू आगे सुन। हाँ जी सर जा सकते हैं सर, स्कूल खुल चुका है। खुल चुका है तो दिक्कत क्या हो, 441 है बोला। हाँ सर तो इधर से पेयर करो, ठीक ठीक सर हुए। एक बहुत काफी है। यहाँ पे कौन से नंबर रखो बाबू जिसको मल्टी, सिमिलर नंबर कौन से, दो सिमिलर नंबर दो बार रखोगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। तो एक बार सर सोचो, रखेंगे सर तो 1 1 करेंगे तो 1 है ना आएगा। हाँ सर 4 आ जाए, 4 से छोटा तो फिर क्या रखना, 2 रखो तो 2 2 करोगे सर तो 2 × 2 कितना 4 आ गया कि नहीं आ गया। हाँ सर 2 × 2 = 4, ऊपर वाला ऐड करके लिखना 2 + 2 कितना 4, नीचे ऐड करके तिरछा में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, 4 − 4 = 0। अब ऊपर से नीचे जब भी लाओगे दो डिजिट लाओगे तो ऊपर से नीचे ये दोनों लाना, तब 41 होगा। अब यहाँ पे सोचो क्या रखो बाबू कि 41 आ जाए, पहले कितना से किया 2 से किया। यहाँ पे बाबू क्या रखोगे बाबू अपने मन से कि 41 आ जाए, 41 से छोटा आ सर जाए तो 1 ट्वेंटी रख, वन होगा अला नहीं यहाँ 1 रखे सर तो 1 रख बाबू, तो यहाँ भी नीचे एक बार 1 लिखना है, ठीक 41 बन जा, 41 हो गया ठीक, घटाना है तो 0 हो जाएगा, इसको ऐड कर दो 1 + 1 कितना 2, आई 4 2 हो गया, है ना ठीक सर, है ना। नेक्स्ट बाबू तो ये कितना बार डिवाइड किया 1 बाय, है ना। अच्छा ठीक है आके कूटते हैं, टेंशन मत लो। तो 441 का स्क्वायर रूट कितना हो गया सर, 21 आ गया, कितना आ गया 21 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 15/21। तो आपको एग्जाम वगैरह में आएगा ना तो इतना मत करना, 15 का बाबू तो पते ना बाबू 15 का स्क्वायर कितना होता है, कौन सा दो नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो करवे किया, तो 15 15 21 को 21 करोगे तो 21 हो जाएगा, है ना ठीक। लिखो जिसको नहीं समझ में आगे वाला समझाते हैं। निधि वीडियो ऑन करो जी, निधि अध्या सोनम 3 बजे काहे नहीं आई थी बोली, अध्या सोनम लेट हो गया थी। लेट हो गया था बोली, पिटाओगी बाबू आपका क्लास वो जैसे तैसे रहेगा तो पिटाओगी। विक्रम वीडियो ऑन करो जी, विक्रम क्लास को सिंसियर हो के करना है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। जल्दी लिखो बाबू, नेक्स्ट बाबू इसको कम से कम खत्म करो जी। तो मैं जा रही हूँ। पढ़े मावे लगाए थे। हाँ बहुत पिटेंगे सपना, सर हम कुछ नहीं किए, अमन को डांट रहे थे मम्मी, और तुमको भी डांटते। आके कूटते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। उधर कतरी सराय का आया ना बाबू, गार्जियन कह रहे थे ना जी आपका भी आ गया पारी, अभी तो बाबू हम दौड़ा कुछ भी नहीं किया है, जल्दी लिखिए, तो हम चुपचाप। आप लोग खाली शक्ल से मासूम हो, धुन दीजिए। ए विक्रम वीडियो, विक्रम नीचे वाले सर, हॉल वाले को सर पहले बाई में सर चेंज करना है सर, उसके बाद सर सॉल्व करना है। अच्छा ए विक्रम बाबू वीडियो ऑन कीजिए, विक्रम सर हाँ सर ये तो बाबू टाइमर सर लगा सर, रहा है। लेकिन रियल में सर जो आपने सर बच्चा में पढ़ाया सर, अच्छी उसका सर यहाँ पे बहुत सारा यूज आ रहा है बात है। ए विक्रम वीडियो ऑन करो जी, चलो देखो। सर, को टाइमर लगा रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं कोई लगाएगा टाइमर। मेरा क्वेश्चन देखो बाबू, 100 कौन सा सर, 44,
देखो क्या करना है बाबू, सर आसमान, मिक्स्ड में है तो इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। हाँ देखो क्या करोगे, 144 नंबर बाबू। आराध्या सोनम, रोना नहीं आराध्या सोनम, फिफ्टी 2 होल बाबू, कितना 8 5 7 डिवाइडेड बाई 2 1 1 6 है ना। हाँ सर, तो इसको कैसे करोगे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। आइए तो बाबू बचपने में इतनी सा था, उसी समय लो 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 करके सिखाए मिक्स फ्रैक्शन, वो कैसे करोगे फ्रैक्शन में, है ना, जिसको दिक्कत होता है बाय चेप में सिखाएंगे फिर से, है ना। ठीक, इसको कैसे करोगे बाबू, इसको तो मेरा बच्चा ऐसी बाबू साहब नींदे में टूट लेगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं बाबू, आराध्या सोनम 2 1 1 6 मल्टीप्लाई 52, और ऊपर वाले को क्या कर दिया जाता, ऐड कर दिया जाता। हाँ सर, 8 5 7 डिवाइडेड बाय क्या बोला, 2 1 1 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो और 8 5 7 ऐड करके आंसर बोलो। संकल्प शैतान, ये संकल्प बाबू, इसको मल्टीप्लाई करो क्या भैया, 2 1 1 6 मल्टीप्लाई 52 + 857 बोलो। राजनंदिनी नैतिक, अब मल्टीप्लाई करे लग भी हम ही सिखाएंगे जी, कि आप लोग बोलिएगा जल्दी, बोलो कौन बच्चा बोलता है सबसे पहले। सर टू बाबू 1 1 0 3 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे भोला, सर सर 1 1 0 9 9 0 3 2 9 1 1 0 8 8 9 सर 1 1 0 0 3 2 सर 1 1 0 0 3 2 सर 1 1 0 0 3 2 सर फिर से मल्टीपल करें सर 1 1 0 8 8 9 सर, सर सिर्फ 1 1 0 8 8 मल्टीपल करें सर 3 2 8 8 1 1 0 8 9 9 8 ऐड करना भी है सर ऐड भी करना है सर सर 1 1 0 8 8 9। यस सर ठीक ठीक सर, अरे इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना तो इतना आएगा। ठीक सर, अब मेरा बच्चा क्या करेगा, ऊपर वाले का ये निकाल लेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका वैल्यू, आ नीचे वाला का निकाल लेगा आंसर, लूट लेगा, है ना। मतलब क्या सर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सर, 1 1 0 8 8 9 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 1 1 6। अब इसका निकालो, इसका निकालो आंसर लूटो। ठीक, अब जिसको नहीं समझ में फिर शांति से सुनेगा, शांति से सुना संकल्प, क्या लिखेंगे सर, 1 1 0 8 8 9। ठीक ठीक सर, ये हो गया, जोड़ा बना दो, क्या बना दो, जोड़ा बना दो, बनाओ जोड़ा, इधर से राइट साइड से बनाने तो गलत हो जाएगा। एक पेयर बाबू संस्कृति, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तीनों पेयर में हो गया तो हो गया, तो हो गया, दिक्कत क्या है। विक्रम वीडियो ऑन करो जी, विक्रम वीडियो ऑन कर बाबू, देखो रे देसो नाम। अब क्या करोगे, यहाँ पे बाबू सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो सोचो कौन 2 नंबर सेम मल्टीप्लाई करोगे, या तो 11, चाहे 11 से छोटा आ जाता, हम लोग सोचेंगे बाबू 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 2 जब 4, 11 से छोटा होता। मने मने सोचना, आपको ना बता रहे हैं बाबू, आपको मने मने सोचना ये सब है, फिर धीरे धीरे करोगे सर, आपको ये सब मने मने सोचना रहता है जी, हम लिख के बता समझा रहे हैं तब ना लिख रहे हैं जी। धीरे धीरे करोगे तो 9 होगा सर जाएगा। ठीक सर, आपको 11 से छोटा रखना, बड़ा नहीं जाना, 4 4 करेंगे सर, सेम नंबर 2 बार लिखना, तो 4 4 16, 11 से बड़ा हो गया ना, तो 4 4 नहीं होगा सर, बाबू इससे पहले कौन था, 3 था, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। अभी दोनों मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई 3 कहाँ चले गए, इसका फिर पिटेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना, 9, 9 हो गया। नीचे क्या करना रहता, ऐड करके रहता, 3 + 3 कितना, 6, ऐड नीचे ऐड करके लिखो, इधर मल्टीप्लाई करके लिखो। ठीक सर, कितना आया बाबू, 3 टाइम में डिवाइड किया, 11 में 2 जाएगा, इसको सबट्रैक्ट करो, 11 में 9 जाएगा कितना, 2, ऊपर से नीचे कई नंबर उतारोगे बोलिए आराध्या सोनम, 2 नंबर, 0 8, जब भी ऊपर से नीचे आएगा 2 डिजिट आएगा। अब फिर से सोचो क्या सोचेंगे सर, सर आपने यहाँ उसमें जगह छोड़े सर का छोड़े बोला ना, बोले इसका आधा मुंह बोलती कह सर। रहे जगह जगह नहीं छोड़ी इधर तो लिखो आ लिखेंगे क्या अच्छा लिख लेंगे, इतनी सुन में लिख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, एक यहाँ 6 है, अब यहाँ पे अपने मन से बाबू क्या करना, एक बार 1 रखना,
तो सिक्स के वन सिक्स तो फिक्स हो गया, अपने मन से वन रखना, नीचे भी वन, इसको मैं 61 मल्टीप्लाई वन कितना 61 होगा, 208 लाना चाहिए, इससे छोटा जाना है। उसी तरह से 62 मल्टीप्लाई टू करोगे तो 224 124, फिर इसी तरह से 63 मल्टीप्लाई थ्री करोगे 339 189, हाँ सर, फिर फोर रखोगे तो 64 आनी चाहिए, भी फोर करोगे 4 4 16 दो चौ अच्छा 16 256 हो गया, और टाइम में 200 बाबू 56 हो रहा, यहाँ 208 बड़ा हो गया ना जी, तो छोटा लेना 208 से छोटा लेना, तो फोर टाइम तो बड़ा हो रहा सर, तो तीन वाला लेंगे, कौन लेंगे तीन वाला, तो यहाँ पे थ्री रखेंगे, थ्री रखेंगे, थ्री थ्री जा नाइन सर, और सिक्स थ्री जा 18 है ना, हाँ सर। ये दोनों को नीचे हमेशा जोड़ के लिखना, थ्री प्लस थ्री कितना सिक्स, और ऊपर से वो सिक्स है ना, हाँ सर, घटाओ इसको, 18 में 9 जाएगा 9 1 19 आ जाएगा, आएगा ना जी, हाँ सर, ठीक। आगे फिर बाबू हिसाब किताब करना, अगला ये दोनों डिजिट हो गया, अगला लिखो, अगला लिखोगे कौन आएगा अगला, जब भी आना ऊपर से नीचे 2 8 9 आएगा। अब फिर यहाँ से सोचो 66 है, तो यहाँ एक बार वन रखो, जैसे तेज होगा ना तो डायरेक्ट थ्री लगाओगे ना तो आ जाएगा, जैसे 66 है ना जी, हाँ सर, खून सुखा देता, 66 है। अब एक बार यहाँ पे वन रखेंगे, फिर वन रखेंगे तो वन हो गया, सिक्स हो गया, सिक्स हो गया, फिर टू रखेंगे, क्या रखेंगे बाबू स्वाति, 6 6 2 2 रखेंगे, जोड़ेंगे 2 2 4, अब 6 2 12, 6 2 12 13, 1324 आ गया, 19 ये लाना चाहिए इससे छोटा लाना, फिर थ्री रखेंगे अंशी का शैतान, तो 339 और 663 जा 18, बल्कि 663 रखेंगे, 363 जा 18 का 8, 63 जा 18 एट 9, हाँ सो तीन बार में आ गया ना तीन बार में, हाँ तो थ्री यहाँ लिखोगे, यहाँ थ्री लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, घटा दोगे अस्मायरा जीरो हो जाएगा, इसको इधर नीचे ऐड करना रहता है, थ्री थ्री सिक्स सिक्स सिक्स, हमने यहाँ थ्री लिखा, सेकेंड टाइम में कितना से डिवाइड किया थ्री से, तो फिर थ्री, थर्ड टाइम में भी कितना से थ्री से, तो थ्री हो गया, इसका डबल यहाँ आएगा, ये जो कोसेंट है इसका डबल यहाँ पे आएगा, तो 333 का डबल ये हो गया, मतलब ऊपर वाले का बाबू स्क्वायर रूट निकालेंगे बोला तो कितना हो जाएगा 333 हो जाएगा, नीचे वाले का 116 है, तो आप आइडिया लगाओ बाबू, मोटा मोटी आइडिया लगाओ, 40 का करते बाबू तो 1600 होगा, 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 होगा, और नहीं आइडिया लगा सकते हो तो सोल्व करो, 41 करो 42 करना, ठीक, लिखना नहीं जी, एक का छो स्वाति शैतान नहीं लिखना बाबू, देखो अस्मायरा बोली नेक्स्ट, हाँ। बाबू देखो अगला क्या सर, 216 है, उसी तरह सोचेंगे, गठबंधन करो संस्कृति, ऐसा था दो गो इधर संस्कृति दो गो इधर, तो आपको यहाँ पे बाबू सेम नंबर बाबू दो बार लिखना, क्या दो बार सेम नंबर लिखोगे कि 21 आ जाए चाहे 21 से छोटा आ जाए, सोचना बाबू संस्कृति, निधि वीडियो ऑन करो जी, सुरभि सुरभि शैतान का होना है, निधि वीडियो ऑन करो, 5 करेंगे सर तो 25, हाँ तो 4 4 सोचना, 4 4 जा 16, 21 माइनस 16 5 होगा, इसको नीचे ऐड करना रहता है, 4 + 4 कितना 8, समझा बाबू एकांत, ठीक बोला, ऊपर वाला नीचे होता है, हाँ 4 से क्या इधर 4 लिखो, ये अगला दो डिजिट बच गया सुरभि, दोनों उतारना है, ठीक, नेक्स्ट सुरभि शैतान, अब यहाँ पे सोचो क्या बाबू लिखोगे सेम नंबर दो बार की, यहाँ 516 आ जाए, सोचो 8 है ना बाबू, 8 है तो 8 है, 1 लेना 81 हो जाएगा, फिर 2 रखना 82, 2 2 टाइम रखना तो ये 224 आई 163, इसी तरह से 3 3 3 रख के देखना, 4 4 4 4 16, 4 4 में करोगे बाबू 8 4 32 है ना, 6 6 करो ऐसे अंदाजे बाबू, आपको बाबू है ना डायरेक्ट दिमाग में मल्टीप्लाई करना, 4 4 करोगे सर तो 80 मल्टीप्लाई 4 320 है ना होगा जी, 80 मल्टीप्लाई 4, यहाँ 6 6 करो, देखो 6 6 जा सर 36, 8 6 जा कितना 48, थ्री कितना 51 हो जाएगा, है ना, नहीं आता तो बच्चा की तरह करो, आता तो डायरेक्ट करो, ठीक,
और ये 9, घटाओगे 0 0 0। 46। सर मुझे म्यूट कर दीजिए ना। सही ठीक, तो है सही है। नीचे वाले को फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 46 आ जाएगा। ठीक सर, है ना, तो यही आपको करना था, क्या करना। डन देखो जी, लिखो अस्मिता, बोली सर। सारे बच्चे को लिखने दीजिए, लिखे काव्या, लिखो सपना। अमन कहाँ गया जी? नहीं अमन जी, अमन शैतान कहाँ हो जी? सर अमन नहीं है। नहीं ना, अच्छा उसको लगेगा, उसको खोज रहा है, और कोई बात नहीं, जल्दी लिखो बाबू। आराध्य सोना, समझा संकल्प शैतान, ए संकल्प शैतान, समझा जी? यस सर, मैं तो समझ गया था सर, बस मेरा होमवर्क इसलिए गलत हो गया क्योंकि सर मैंने लास्ट वाला डिजिट नहीं लिखा। संस्कृति, समझी जी? यस सर। अगला देखो, 5145 नंबर, डेसिमल वाला। ठीक है बाबू, क्या सर नाम है? सेजल, सेजल भोला। आरब नाम है जी, क्या नाम है जी? कमल। आया। अरे आपका नहीं बाबू, अस्माइरा उसका, सेजल के भाई। क्या नाम बाबू? अमन अंशु। अंशु नाम है, चलो हाँ बोला। लिखा बाबू, लिख रहे हो जी? समझ रहे हो बाबू अंशु कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। हाँ बाबू, बार बार भाग जाते बाबू, बहुत दिन हो गया, 3 4 बच्चा का बाबू परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, वो सब कुटाएगा अब। सर इसमें से सर मेरा आप इधर आ रहे हैं, 32 से 31 गिर गया। 10 नहीं, होमवर्क का नहीं भेजा जी? किसको बोल रहे हैं उत्कर्ष उड़ीसा। सर? सर मैं रिसेंड कर दूंगा क्लास के बाद। आइए, वो सुर भी नहीं भेजती, काहे सुर भी? 8 बजे सर का आप बल्ला कर क्यों नहीं आ रहे दी। हैं? गुड इवनिंग सर, मैं बोल रहा था कि सेंड कर दूंगा। अल्लाह नहीं जी, ये सुर भी शैतान, 8 बजे काहे नहीं आती हो जी? हल्ला करने वाला क्लास तो रखते ही नहीं और तुमसे हल्ला नहीं। सर आपका आवाज कट कट क्या रहा, हम कुछ बोले हैं क्या? सर कह रहे हैं 8 बजे क्यों नहीं क्लास करने आती हो? आवाज नहीं आ रहा आपका। कह रहे हैं 8 बजे क्यों नहीं क्लास करने आती हो जी सुरभि? वो कंप्यूटर में जाते नहीं हैं, मीटिंग, कुछ लोग बोल हेलो बाबू हाँ। वीडियो, हेलो बाबू वीडियो ऑन कीजिए, हेलो कौन करो नहीं तो रिमूव कर देंगे बोला, हेलो अल्लाह कौन करो जी? नहीं ऑन करेगा, चलो देखो वो जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से देखेगा। कार्तिक बाबू सर ऑन रुक कीजिए, जाइए रुक जाइए, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अरे सब से लोअर हैंड करने का ही है ना। उत्कर्ष उड़ीसा, लोअर करो जी, दिक्कत होता लिखने में। यशवंत बाबू लोअर हैंड कीजिए नहीं तो रिमूव कर देंगे बोला, जल्दी करो लोअर हैंड करो जी। शैतान हैंड राइज करता, हैंड राइज वहां किया जाता है जी जहाँ पूछने की आजादी नहीं होता है, सर जैसे अभी आपको। तो सर कोई है ना टिप टॉप कर रहा है। मैं तो सर पूछने के लिए हैंड रेस सर सर किया सर सर था। हाँ मेरे बाबू, शिवांगी दीदी सर यहाँ आई थी तो सर उन्होंने सर अपना एलन का क्लास ज्वाइन किया तो सर सर उनको म्यूट कर रखा था सर, और सर सबकी वीडियो भी बंद कर रखी थी और सर कोई सर पीछे नाच भी रहा है तो सर को दिखाई नहीं दे रहा और सर कारण बस ये था कि सर बड़े बड़े बच्चे सर गंदा गंदा वीडियो चला देते थे सर। हाँ बाबू, बड़े बड़े क्लास में वैसे ही होता है बोला, मेरे सर यहाँ वो सब पूरी तरह फैसिलिटी अपना आपके तो इसलिए मैं क्लास मिस में। किया हूँ सर। हालांकि मैंने नहीं, तो सर जब मैंने अपनी दीदी से बोला तो उन्होंने बोला कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो मैंने बोला वो ज्यादा ठीक है जो, क्योंकि अब कोई भी यहाँ से क्लास छोड़ के चले भी जाए तो सर को नहीं पता चलेगा। और सर आपकी सर 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 आप सर ईयर का सर आप 12,000 लेते हैं और सर वो लाखों लाख रुपया पेमेंट लेते हैं और सर फिर भी ऑनलाइन क्लासेस पर सर ऐसे करते हैं। बहुत चलो लेते हैं एलन वाले। सर पढ़ाई बाबू पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट बोला, अगला गुड इवनिंग देखो बाबू, क्या सर। फिर हम लोग का तो ऑनलाइन क्लास इतना
सारे जगह का ऑनलाइन क्लास उसी तरह होता है बाबू, वीडियो फैसिलिटी वगैरह नहीं रहते हैं। तो मैम ही कर रहे थे हम लोग का वीडियो ऑफ और म्यूट और फिर अनम्यूट भी। अच्छा सर नेक्स्ट आपकी वन। क्लास इंडिया की नंबर वन क्लास है। हाँ बोल बाबू, इसमें कोई दिक्कत है बाबू? कहीं कोई टीचर किसी के पास नहीं जाता, हम हाँ लोग सारे सर के। सही में। सर तब क्या बाबू? अच्छा बताओ, इतना दिन आप लोग पढ़ रहे हो, कभी कोई टीचर आए पास? आपके साथ सर दूर आज में तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी वो खोला हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा देखिए चलो, सर आलोक और हल्ला स्वर्णदीप कर रहा है, मुझे वो क्वेश्चन है। नहीं हल्ला नहीं। देखो बाबू आगे बाबू, ये संकल्प से दान वीडियो ऑन करो जी। ठीक जब तू म्यूट रहेगा तब मैं हैंड रेस किया। म्यूट करो बाबू। देखो सर इसको सर डेसिमल में, अब हमको डर लग रहा है डेसिमल, मेरा बहुत बच्चा नहीं डरेगा, शांति से हल्ला नहीं करना, इजी है। हल्ला नहीं। देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे, ऐसे करो। एक तो ये तरीका बोला है ना, देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है ना, तो इसको फ्रैक्शन में कर लो है ना, उसके बाद कर लो आसानी से। मतलब क्या सर? मतलब ये भोला, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शन में 3 से 1, सर हल्ला नहीं, 0881 और डिवाइडेड बाय कितना, डेसिमल के बदले 1, 1 2 3 4 डिजिट, तो 4 को 0 है ना। हाँ सर हो गया, अब 4 को 0 है ना। अब 4 जीरो का स्क्वायर कितना होगा? जैसे बाबू 10,000 का स्क्वायर कितना होगा? इसका बाबू क्या करोगे, जैसे इवन नंबर 0 रहेगा ना, तो उसका हाफ कर देना, जैसे समझो इधर कॉन्सेप्ट करके लिखाइए देते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर बाबू इवन नंबर ऑफ 0 रहेगा ना सर, तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, उसका आधा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे बाबू मेरा, जैसे समझो स्क्वायर रूट कितना, 100, तो इसका वैल्यू कहेगा, तो कई गो जीरो है, 2 गो जीरो है, तो 2 का आधा कितना होगा है ना, 1 जीरो होगा, 1 है, 1 दे देना, तो स्क्वायर रूट 100 का वैल्यू कितना, 10, 2 जीरो है तो 1 गो जीरो देना, 1 रहेगा तो 1 तो देना ही रहेगा, नहीं 1 दोगे बाबू तो 0 ना हो जाएगा जी, स्क्वायर रूट 100 का वैल्यू 0 थोड़ी होता है, तो 1 है तो 1 देना, और 2 जीरो है ना, तो उसका कितना कर देना, 1 जीरो। नेक्स्ट, जैसे स्क्वायर रूट बाबू सर कितना, 2000 है ना, इसका कहेगा स्क्वायर रूट, तो मेरा बच्चा डरेगा। अगर इवन नंबर ऑफ 0 रहेगा तो, ऑड रहेगा तो नहीं, ऑड वाला कैसे निकालेंगे बताएंगे। इवन है बाबू तो 1 देना, कई को 0, 1 2 3 4, इवन नंबर है ना। हाँ सर, तो इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू 4 जीरो का आधा कितना, 2 जीरो, 4 जीरो का बाबू हाफ करोगे तो 2 जीरो। हाँ सर। नेक्स्ट बोला, अगर कितना रहेगा बाबू है ना, देखो 6 जीरो रहेगा, ठीक, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू पूछेगा। हाँ सर, तो बच्चा डरेगा नहीं डरेगा, 6 जीरो ना बाबू, तो इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू कितना, 1, तो 6 जीरो का आधा कितना, इवन नंबर है, इवन नंबर देख लेना, और उसका आधा, तो 6 जीरो का आधा कितना, 3 जीरो, 6 का आधा 3, 1 पे 3 जीरो है ना। नेक्स्ट बोला, स्क्वायर रूट कितना, 2 4 6 8 है ना। हाँ सर ठीक, कई जीरो हो गया, 8 जीरो हो गया, डरेगा, 4 6 से हुआ 8 हो गया बाबू निधि। हाँ सर, अब इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कहेगा तो कितना हुआ बाबू, 1 देगा, और 8 जीरो है ना, तो 4 गो होगा, इसका स्क्वायर रूट के वैल्यू कितना होगा, 4 जीरो हो जाएगा है ना। हाँ सर, ये तो बात मेरा बच्चा को समझ में आ जाता है। ऑड नंबर रहेगा तो बताएंगे, आंख बकाओ मत, ठीक है ना, वो भी बताएंगे, 2 4 6 8 10, इतना का स्क्वायर रूट, बच्चा मेरा डरेगा नहीं डरेगा। जीरो कौन, कई को जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसका स्क्वायर रूट के वैल्यू 10 जीरो का आधा कितना, 5, तो 1 पे 5 5 0 है ना। हाँ सर, तो इसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे। और सर स्क्वायर रूट के अंदर अगर सर 5 0 दे रखा होगा तो सर बताएंगे बाबू, बोले 4 बार तो बोले भोला कि ऑड नंबर आएगा तो उसको बताएंगे, टेंशन का लेते। नीचे क्या सर, इसको ऐसे भी लिख सकते बाबू, कैसे सर, इसको ऊपर को लिख लो और नीचे को, नीचे लिख लो। सर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड ही सिखा दीजिए ना, वो तो और इजी है। नेक्स्ट, अब नीचे वाला का कितना हो जाएगा, 0 0, अब इसका निकाल दो स्क्वायर रूट का वैल्यू, तो ये लॉन्ग डिवीजन से नहीं सिखाए हैं, इसका लॉन्ग डिवीजन से निकाल दो,
जो भी आंसर आएगा हो जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा, ये 4 0 ना, तो नीचे का आंसर स्क्वायर रूट का वैल्यू 100 आ जाएगा, और ऊपर वाले का लॉन्ग डिविजन से निकालो आंसर आ जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब कुछ नहीं है, उसका लॉन्ग डिविजन से करो, 3 3 3 7 अस्मायरा बोली 881, निकालो इसका। कैसे करोगे, गठबंधन एक करो, बार हम बच्चे ट्राई कर। ईयर ईयर दो गो पेयर हो गया। अब यहाँ पे क्या रखोगे कि 37 आ जाए, 37 से छोटा, तो डायरेक्ट सोच सकता है ना जी, क्या तो रखोगे, डायरेक्ट थर्टी सोच सिक्स है ना, 6 6 रखोगे। हाँ सर, रिश्ता तो यहाँ 36 होगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना रहता है, ऐड करके नीचे रहता लिखना, ठीक। घटा बोली बाबू संस्कृति, 7 - 6 कितना, 1, ये 3 - 0 3, आगे क्या उतारोगे, 00, आगे क्या है, 08 है। फिर से सोचो, 1 2 1 बाबू 108 है, कितना रखोगे, है ना भोला। अब यहाँ पे मामला गड़बड़ा आ गया, अगर 1 लेते हैं सर तो सर बाबू थ्री कैसे होगा बाबू, 118 है जी, अल्लाह। सर हाँ तो उतार देंगे जीरो लगा के, जैसे डिवीजन 120। हाँ सर, में। सर ये सब तो छोटा होना है, 121 तो छोटा। ठीक सर ठीक तो ठीक जीरो लगा के अगला 8-1 भी उतार देंगे। हाँ हाँ ट्वेल्थ से हाँ तो कट ही जा रहा है सर। सर रहो, 108 है, यहाँ पे कुछ भी रखोगे भोले, सबसे छोटका नंबर बाबू 0 भी रखोगी तो 120 हो जाएगा, इससे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा, आपको बाबू यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, तो नहीं ना होगा। अरे 1 भी रखोगे तो 121 हो जाएगा, कैसे सबट्रैक्ट करेगा, सबट्रैक्ट होगा हाँ, जी, है ना, नहीं ना होगा बाबू, तो क्या होगा, नहीं फंस होगा गया। जीरो। हाँ तो अब नहीं होगा, तो अब क्या करोगे, क्या करोगे, अगला डिजिट उतारो, डिवीजन में हम लोग ऐसे करते नहीं होता बाबू, तो अगला, तो जब भी यहाँ उतारना है डबल उतारना है, कौन सा उतारोगे, 81, तो 81 उतारा तो आपको 0 पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, है ना। हाँ सर, अब यहाँ पे बाबू जब यहाँ 0 पुट किए तो आपको यहाँ भी वो एक्स्ट्रा 0 पुट करना पड़ता है, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मतलब क्या सर, यहाँ 0 पुट किया ना बाबू, तो आपको यहाँ भी 0 पुट करना पड़ेगा, अगर ये इसमें ऐसा सिचुएशन आपको बहुत काम आएगा, है ना, अभी तक कितना सारा के नहीं ना आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आ गया, बीच में 0 आ गया, इसके फल ना आ गया, है ना, सर है ना बाबू, अच्छी बात है। ठीक, देखो कैसे करोगे, है ना, तो कर दो। है ना, तो यहाँ पे बाबू क्वेश्चन क्यों चेंज करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ये कितना है, 12 है, अब यहाँ पुट किया तो यहाँ भी करना है, ठीक सर, अब मशीन चलाना शुरू करो वही। अब बाबू कितना से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या रखो बाबू कि 10,000, 10,881 आ जाए, यहाँ पे मान लो 8 रखते हो बोला, है ना, तो ए बड़ा नंबर ही रखो बाबू, 8 1000 कितना, 1208 मल्टीप्लाई 8 करोगे आएगा, या बाबू देखो यहाँ 1 है ना जी, तो यहाँ क्या रखने की कोशिश करो, 9 रखने की कोशिश करो, देखो तो 9 9 रख के आता बाबू, 9 9 जा 81 हो गया, फिर 9 2 जा 8 हो गया, 9 1 एक 10 हो गया, आ गया 9 1, कितना आसान था। आप बाबू देखो क्या किए, शांति से सुनना, ये सब थोड़ा सा आइडिया आपको अपने मिलने लगेगा। 108 हुआ बब्बू, अब सर यहाँ पे कुछ हम नहीं सर। यहाँ 1 भी लिखते हैं सर, तो 108 बब्बू यहाँ पे लिखेंगे तो 121 छोटा हो गया ना, नहीं ना, सबट्रैक्ट होगा जी, तो क्या करना रहता, अगला नंबर उतार दो, 81 81 लिख दिए। अब जैसे 81 उतार बब्बू तो यहाँ भी एक्स्ट्रा 0 और यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा 0 पुट करना पड़ेगा, आप इसके बाद जैसे पहले किए हो, एक बार यहाँ पे 1 रखो, 1 रखो मल्टीप्लाई करो, फिर 2 रखो, 2 रखो मल्टीप्लाई करके देखो, यही लाना चाहिए इससे छोटा, फिर 3 रखो मल्टीप्लाई करके देखो, फिर 4 रखो मल्टीप्लाई करके देखो, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देखते रहोगे तो 9 बार में आएगा, कितना बार में आएगा, 9 बार में आएगा, यही चीज वो आ जाएगा 9 बार, है ना, ठीक सर, तो इधर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सबट्रैक्ट करोगे बाबू तो 0 0 0 0 0 हो जाएगा, है ना, ऐड करो, है ना बाबू, तो 9 9 18, ये 1218 हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 609 हो जाएगा। अब इसको डेसिमल में लिखो, 600 बाय डिवाइडेड बाय 100 कितना, 6.09, तो ये इसका आंसर होगा।
लिखिए। अब मन में डाउट आ रहा है सर, ऑड नंबर रहेगा तो कैसे करोगे? तो ऑड नंबर रहेगा बाबू तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन से ही डिवाइड करेंगे। संकल्प शैतान लिखो, समझाते हैं। लिखो लिखो। सेम क्वेश्चन, क्या हुआ है? एक खाली डेसिमल पॉइंट घसका दो। क्वेश्चन सेम है, डेसिमल पॉइंट को घसका दो। अभी डेसिमल चार, डेसिमल के बाद चार डिजिट है ना जी, अब डेसिमल के बाद तीन डिजिट रखिए, वही आपको मेन सीखना। जल्दी देखो, पांच भी तो बिल्कुल गाना बजाती सुन। इसको 34 145 का एक कर लेते हैं, देंगे कहीं एक पोजीशन घिसका दो। तीन रखो, पांच रखो, और रखो पांच। देखो बाबू राजनंदनी सर, यहाँ पे जीरो जो 12 लिखा था, जो 1209 है, वहाँ पे अगर जीरो नहीं लगाएंगे तो आगे सॉल्व नहीं होगा। नहीं बाबू, तो फिर 29 हो जाएगा। इतना आईबे नहीं करेगा, इतना आईबे नहीं करेगा, 10,000 आईबे नहीं करेगा। ओके सर। जल्दी लिखे जी, हो गया। जल्दी करो, जल्दी कीजिए। कंसेप्ट आपको बाबू है ना क्लियर हो जाना चाहिए, समझे इस तक ना समझे जी? यस सर, अब आगे जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो समायरा बोली। लिख लिया समायरा बोली? लिख लिए। वेरी गुड। और अब कहाँ गए? सर 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 कोई गाना गा रहा है सर, मेरा पाँच, सर मेरा 5:40 में स्कूल आ जाता है तो मैं सुबह नहीं करने वाला। अच्छा ठीक, लिखो जल्दी 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 जल्दी। आए सर, ये तो हो गया भोला। अगर बाबू डेसिमल ही तो इवन नंबर पे है ना बाबू, इसके बाद इवन नंबर ऑफ डिजिट है। ए आलोक शैतानी कहाँ डांस करने में लगा हुआ है जी? ए स्वर्ण काय घूम रहा है जी? हेलो काल मंडरा रहा बाबू। अगर ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाए, मतलब क्या सर? यही डेसिमल बाबू पानी पीने गया था। हाँ आ जाए तब मामला गड़बड़ा आ जाएगा। अल्लाह नहीं, तब डिनोमिनेटर में तीने जीरो जाएगा। कैसा कर रहे जी? इसको दौरा पड़ रहा है बाबू सर, उल्टी लग रहा है, दौरा नहीं पड़ रहा है। दौरा कहाँ से पड़ना है? पेट है ठीक सर, पेट दर्द कर रहा है। हल्ला नहीं, ये 105 का बी नंबर हो गया। देखो कैसे करोगे, तो इसको चाहो तो आप डेसिमल में फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके निकालोगे तो आपको ज्यादा मेहनत लग जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं।
हाँ, वन डिवाइडेड बाई 1000 करोगे, फिर 1000 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ज्यादा मेहनत लगेगा। तो इसको इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में कर दो। मतलब क्या सर? मतलब बाबू जैसे इस फॉर्म है ना, इसी फॉर्म में सॉल्व कर दो। कैसे? ऐसे 370, सर 146 का होगा, अच्छा नहीं वन फोर्टी वन फाइव बाई बी। बी नंबर है ये बाबू। आपके मन में ख्याल आ रहा था अभी, शैतान 145 में क्या था, यहाँ पे जीरो था ना जी, डेसिमल यहाँ पे था। अब डेसिमल को खाली थोड़ा सा हमने घसका दिया, 370.881। ठीक से उसको कर रहे हैं। हाँ नंबरिंग घर गड़बड़ा जाएगा ना बाबू, बाबू फिर 146 में दूसरा क्वेश्चन है ना, तो गड़बड़ा जाएगा ना जी। ठीक, देखो अगर डेसिमल के बाद इवन नंबर है, इवन डिजिट है, तो समस्या नहीं है। इसको करना अच्छा फ्रैक्शन में आराम से करके कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे वो डेसिमल के बाद ऑड डिजिट है, 3 गुना है जी। ठीक सर, तो इसको इसी अवस्था में करो। कैसे करो? अब शांति से समझना, यहाँ भी जोड़ा बनाना है। कैसे बनाएंगे? डेसिमल के इधर से जोड़ा बनाएंगे, डेसिमल के इधर इस साइड से पेयर बनाएंगे, और डेसिमल के इधर इस साइड से पेयर बनाएंगे। यह ध्यान देना, यहाँ पे बाबू डेसिमल के इधर जो नंबर रहेगा लेफ्ट साइड में, तो इधर से पेयर बना, डेसिमल के राइट में इधर से जोड़ा बनाएंगे। समझा? इसमें इधर से बनाओगे गलती हो जाएगी सर। अब बाकी जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर अप्लाई करो, आंसर लूट लो। तो एगो थ्री रह गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि थ्री आ जाता है, थ्री से छोटा, 1111 हो जाएगा। इसको ऐड करके यहाँ, इसको सबट्रैक्ट करके तो टू। ठीक, हाँ यहाँ तक तो ठीक है, ये तो बचपने से सीखते आ रहे हैं। अगला बार क्या करोगे? ये दोनों पेयर में उतारोगे, ये दोनों क्या करोगे? पेयर में उतारोगे कि नहीं? निधि 270 हो गया, बाय। कूट देंगे पकड़ के। शैतान डांस कर रहा था, पढ़ता लिखता है नहीं, खाली चिल्लाते रहता। हर अब पार्टी यहाँ लेने गया था। कौन सा नंबर रखोगे कि 217 आ जाएगा? तो अब आप सर डायरेक्ट सोचो, अगर 8 रखते हैं सर, 228 मल्टीप्लाई 8, सोचो इधर करके बड़े बड़े रखना बाबू, तो कितना? 8 8 जा 64, और 8 2 जा 16, सिक्स कितना हो जाएगा? 224 हो जाएगा, है सर ना? एक आगे और जाएगा। सर अब यूनिट पीछे वंस प्लेस से देख रहे हैं ना, यूनिट डिजिट से। हाँ ये 99 रखो बाबू, 9981, देखो 29 मल्टीप्लाई 29, तो 9981, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, यही लगभग जाएगा बाबू, है ना? 261, 9981, 9 18 26, मतलब कितना बार में? 9 बार में 261, पहला बार में 1 लगा सर, दूसरा बार में 9 लगा। इसको ऐड करो, 998 और ये 3 ऐड किए। मन से पढ़ना जी, इसको सबट्रैक्ट करना बाबू असमायरा, तो 0 में 1 नहीं ना जाएगा, तो इधर से बोरो लेगा तो 9 होगा, और ये 0 हो जाएगा। सबट्रैक्ट करोगे 70 माइनस 61 9 है ना आएगा। अब क्या करें? अब तो आगे डिजिट नहीं ना जी, बिंदी मिला, तो यहाँ बिंदी लिखेगा नहीं, डेसिमल में यहाँ हो तो बिंदी यहाँ नहीं लिखना, इस बिंदी को उठा के इधर लेके जाना। सभी परफॉर्म करते हैं ना उसी तरह यहाँ भी करना, जिसको डिवीजन डिवीजन में दिक्कत है शाम को 8 से 9 करना, ये डॉट ना, इसके बाद वो ये 2 डिजिट हो गया। अब ये डॉट है, बिंदी है, तो बिंदी को नीचे नहीं लिखा जाता है, कोसेंट में। अब उसके नहीं। हालांकि ये डबल डिजिट होता, तो डबल डिजिट उतारेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बाबू क्या रखोगे? 338 है, सोचो 388 ला। सर कल मैं नहीं हूँ शायद, क्योंकि सर कल मेरा एग्जाम है वो मैथ्स का। अच्छा अच्छा दो साउंड बच्चे कुछ नहीं बाबू, साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक, अब जा रहा है, चलो। आप बाबू यस आपको सर। कितना 988 लाना, यहाँ पे क्या रखोगे? 38 है, मान लो बाबू 3 रखते हो तो 3 3 जा 900 हो जाएगा, अरे 383 मल्टीप्लाई 3 900 हो जाएगा, और 83 83 88 से ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए क्या रखोगे सोचो, अब यहाँ पे अपने आप सोचना। 2 रखो, 2 2 जा 4,
एट टू जा 16, थ्री टू जा 6x 7, ऐड करके नीचे 4 8 3, सबट्रैक्ट करो 4, ये 2 और ये 2, 224, इससे कम होना चाहिए है सर। अब आगे क्या बच गया? ठीक, एक डिजिट लिखा जाता बाबू, जब भी लिखा जाएगा पेयर में तो डेसिमल के बाद डिजिट के बाद आपको बचपने में सिखाया, इसके आगे आप जीरो पुट कर सकते हो, गलत नहीं होता। डेसिमल के बाद जो लास्ट डिजिट होता है उसके बाद अपने मन से जीरो भी पुट करोगे गलत, ऊपर भी आएगा जोड़ा में आएगा, रब ने बना दी है जोड़ी भोला, ये जब भी आता है जोड़े में आता है तो ऊपर से नीचे क्या आएगा 10 आएगा, भगवान जोड़ी बना के भेजे, इसीलिए बाबू आपको जोड़ी नहीं तोड़ना है। ठीक सर, अब सोचो ये 22,000 22,410 है, यहाँ बाबू 384 है, तो यहाँ पे कौन से नंबर रखेगा भोला मेरा, है ना, कौन से रखोगे बाबू, किसी का आसपास आ जाए, सोचो अगर 6 रखते हैं सर अपने मन 3 रखेंगे बाबू तो अरे शैतान, सोचो देखो जी 3 रखते बाबू तो 3,000 3, ये मान लो ये 3,000 ले लो, 3,000 रेट है ना, तो 3,000 × 3 9,000 आएंगे जी, हाँ 22,000 है। अब आपको थोड़ा सा सोचना, मान लो 3 रखोगे तो 3,000 इसको रफ में मानो 3,800 है, तो इसको 3,000 मानोगा, 3,000 × 3,000 9,000 होगा जी, है ना, तो 3 होगा। अगर 6 रखते बाबू तो ये 18,000 के आसपास हो जाएगा, 6 18,000 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 22,000 है। देखो आता नहीं आता तो देखेंगे बाबू, 6 6 जा 36, इधर ही कर लेते हैं 3 8 4 6 × 6, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 3 27, 6 8 जा बाबू 40 50, 6 8 18, 18 18 648 50, 6 18 5 23 हो गया, ज्यादा हो गया ना जी, ये 23,000 हो गया, 22,000 है, तो 6 में नहीं लगेगा तो 5 में लगा, तो यही आपको सोचना रहता है ना। ठीक सर, 5 बार में करो, मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, यहाँ पे लिखना 5 4 जा 20 22 5 2 22, 8 5 जा 40 2 42, बाय सर, थैंक यू सर, 15 15 4 19, बाय सर, शैतान कूट देंगे, 5 5 10 का 0, ये 5, बाय सर, बहुत पिटेंगे, ये 5 हो गया, ये घटाओगे कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा, ये घटाओगे कितना हो जाएगा, अब इसके बाद आएगा कितना, हला नहीं जी 19.5, इसके बाद और भी कर सकते हो, इसके बाद और डिजिट में तो अपने मन से 2 0 पुट करो और इसको डिवाइड करो, तो आप इसका अंतर 2 डिजिट में भी लिख सकते हो, 0.25 0.25 19.55, देखे ना, एक बार 1 से लगाए ना जी, 9 से लगाए ना, फिर 2 से लगाए, 2 से कहां लगाया, 2 से तो लिखे ही नहीं आप, 2 यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, 2 यहाँ 2 होगा, फिर 2 से लगाए ना बाबू, यहाँ 2 भी छूटा ना जी, 2 के बाद क्या हो गया, 5 हो गया, सावधानी हटी दुर्घटना, बाय सर, 5 का डबल कितना, बाय सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर, बाय सर, होमवर्क नहीं है, नहीं है, हम लोग जा रहे हैं, नहीं धूमक नहीं चाहिए सर, आज भर छोड़ दीजिए सर, आज भर छोड़ दीजिए प्लीज सर, एग्जाम है सर, बच्चों देख लूंगा आपको, भैया भाई, थैंक यू सर।